अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अहमद और आज हम डिस्कस करेंगे एरर कोड 5665, इसकी वजह और इसको रिमूव करने का तरीका। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि मैं एक लिस्टिंग क्रिएट कर रहा था जब अमेजोन ने मुझे एक एरर कोड 5665 भेजा। बेसिकली अमेजोन ये चाहता है कि मैं अपना जो ब्रांड नेम यूज़ कर रहा हूँ एथलीट एफ फिटनेस, मैं अमेजोन को प्रूफ दिखाऊँ कि ये ब्रांड नेम मेरा ही है और ये मेरे प्रोडक्ट पे प्रिंटेड है या मेरे पैकेजिंग पे प्रिंटेड है। तो अमेजोन मुझसे ये प्रूफ मांग रहा है, देखते हैं अब मैं इसको आपको अप्रूवल लेना सिखाता हूँ। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे जाएंगे तो यहाँ पे अमेजोन आपको एक ऐसे भेज देगा, ये ऐसा पेज आ जाएगा आपको। अमेजोन वहाँ पे कहेगा कि आप मुझे अपनी अपनी ब्रांड की वेबसाइट दे दें अगर वो है तो, क्योंकि यहाँ ऑप्शनल नजर आ रहा है, यहाँ मैंडेटरी नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट दें, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक या यूआरएल उनको भेज देंगे तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वरना अमेजोन कभी कभी ऐसा करता है कि बार बार आपको कहता है कि आपके पिक्चर्स क्लियर नहीं है, दोबारा से भेजें, दोबारा सबमिट करें, आपका प्रूफ जो है वो इज नॉट सफिशेंट, तो आपको दोबारा से पिक्चर भेजनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पिक्चर बनाते हुए ये ख्याल करना है कि आपका पैकेजिंग और आपकी प्रोडक्ट अच्छे तरीके से टेबल पे प्लेस्ड हो और आपके उस पर कोई किसी किस्म का शेडो नजर ना आ रहा हो या आपका हाथ उसमें ना हो और आपका जो ब्रांड नेम आपका लोगो है वो क्लियरली नजर आ रहा हो, ताकि अमेजोन उसको देख के आपको ब्रांड नेम का अप्रूवल दे सके। फिर अमेजोन की रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मैच द नेम एथलीटर, क्योंकि मैं इस ब्रांड नेम के साथ लिस्टिंग करने जा रहा हूँ। तो अमेजोन ने मुझे कहा है कि आपके ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट पे और आपके पैकेजिंग पे ये वाला ब्रांड नेम होना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई ब्रांड नेम होगा तो अमेजोन मुझे अप्रूवल नहीं देगा। फिर अमेजोन मुझे कहता है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि फोटोशॉप नहीं होनी चाहिए या कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी जेन्युइन प्रोडक्ट की पिक्चर्स होनी चाहिए। फिर परमानेंटली अफिक्स्ड का मतलब ये है कि जो आपका लोगो है वो आपके बॉक्स पे या तो प्रिंटेड हो या आपके आपके प्रोडक्ट पे एम्बोस्ड हो, यानी के जिसको हम बोलते हैं टैटू बना होगा, टैटू बना होना चाहिए, उसका अमेजोन एक्सेप्ट करता है, वरना वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर अमेजोन कहते हैं कि आपका जो ब्रांड नेम है उस पर किसी और का ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, ये आपका अपना ब्रांड नेम होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपको कोई ऐसा यूनिक ब्रांड नेम चूज करना पड़ेगा जो कोई और यूज ना कर रहा हो और ना उस पर ट्रेडमार्क हुआ हो। फिर यहाँ से आप अपनी जाके अमेजोन को पिक्चर्स भेजेंगे, जिसको अमेजोन अब ये देखें ये वाले पिक्चर्स जैसे हो गई, ये अमेजोन को आप भेजेंगे और अमेजोन इसको देखेगा कि आपका ब्रांड नेम इस पे क्लियरली शो हो रहा है, आपका लोगो शो हो रहा है। आप 3-4 पिक्चर्स उनको भेजेंगे और फिर आपको 24 आवर्स बाद अमेजोन इसका रिस्पांस देगा। या जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक दिन में केस ओपन किया था, विद इन 24 आवर्स मुझे ये अप्रूवल मिल गया था, ताकि मैं लिस्टिंग क्रिएट और फिर मैंने लिस्टिंग क्रिएट कर ली थी। तो इसमें यह होगा, जितनी आपकी क्लियर इमेजेस होंगी, जितना आपने अच्छा प्रूफ दिया होगा अमेजोन का, उतनी जल्दी आपका केस अप्रूव हो जाएगा। अदरवाइज इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, अमेजोन बार बार रिजेक्ट कर सकते हैं आपकी अपील और आपको दोबारा से केस ओपन करके आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश ये करें कि जितनी अच्छे पिक्चर्स आप अपने बॉक्स या अपने प्रोडक्ट की क्लियर पिक्चर्स ले सकते हैं और उस पर लोगो आपका क्लियरली नजर आना चाहिए। और ऑप्शनल ये है कि आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल उनको भेज देंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा।